यूपी में काबा से पहचान बनाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गुस्सा इस वक्त चरम पर है। आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस के विकास दिव्य कीर्ति सर पर उन्होंने अपने पति के नौकरी जाने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि लगभग हफ्ते भर से हिमांशु को फोन पर नहीं सर मेरी गलती थी, उनका दोष नहीं है बोलते सुन रहे हैं। मीडिया के लोग हिमांशु से उनके इस्तीफे के बारे में पूछ रहे हैं और वो खुद को दोषी बता रहे हैं। ये हिमांशु की विनम्रता और उदारता है कि नौकरी छीने जाने के बाद भी दृष्टि संस्थान डॉक्टर विकास की छवि को लेकर सजग है। पर अब जिस तरह से दृष्टि संस्थान मीडिया का उपयोग करके युद्ध स्तर पर हिमांशु को एक लापरवाह व्यक्ति साबित करने में जुट गया है, मुझे उससे आपत्ति है। हिमांशु जिस तरह नौकरी से निकाले जाने के बाद भी दृष्टि संस्थान की छवि को लेकर सतर्क हैं, वो उन्हें लापरवाह नहीं बल्कि एक संवेदनशील और समर्पित कर्मचारी साबित करता है। वरना नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने लोगों को नियोक्ता के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते देखा है। कहना ये भी चाहती हूँ कि बीते दिनों जब कुछ लोगों ने भगवान राम और सीता जी के मुद्दे पर दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास के विरुद्ध घेराबंदी की थी, तब हिमांशु ने खुद आगे बढ़कर मुझे संस्थान का पक्ष लेने के लिए कहा था और मुझसे दृष्टि संस्थान और विकास जी के पक्ष में ट्वीट करने को कहा था। पर जैसे ही मेरे विरुद्ध घेराबंदी की गई, दृष्टि संस्थान ने हमारा साथ देने की बजाय हिमांशु सिंह से इस्तीफा मांग लिया। ये बात बेहद दुखी करने वाली थी और हिमांशु आज भी इस बात से आहत हैं। रही सही कसर दृष्टि संस्थान की तरफ से आ रहे बयानों ने पूरी कर दी है। बतौर कर्मचारी दृष्टि संस्थान से 2015 में जुड़े हिमांशु को लेकर उनके सबसे बुरे वक्त में नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे हिमांशु को ये ना हो कि मुझे आपत्ति है। क्या इस बेहद जरूरी फायरिंग प्रक्रिया को कुछ हफ्तों के लिए टाला नहीं जा सकता था? मैं क्यों न मानूं कि हिमांशु की नौकरी सरकारी दबाव में छीनी गई है? दृष्टि संस्थान का ये दावा पूरी तरह गलत है कि मुझे नोटिस मिलने से पहले ही हिमांशु को संस्थान से निकाल दिया गया था। कानपुर देहात पुलिस ने 19 फरवरी को हस्ताक्षरित नोटिस मेरे ससुर जी को 20 फरवरी की दोपहर और मुझे 21 फरवरी की शाम को रिसीव करवाया, जबकि हिमांशु ने अपना इस्तीफा 24 फरवरी को दिया। ये सब कुछ कहना इसलिए भी जरूरी था ताकि एक संवेदनशील और शुभचिंतक कर्मचारी के रूप में हिमांशु मूर्ख साबित न होने पाए। दृष्टि संस्थान को हिमांशु की उदारता का सम्मान करना चाहिए था, पर उन्होंने हिमांशु की इस उदारता को उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया है।